हेलो एवरीवन, बच्चों नीट 2022 के एग्ज़ाम को लेकर एक ऑफिशियल अपडेट है और ये अपडेट है नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nde.nic.in पर। प्यारे बच्चों, अपडेट क्या है, देखिए यहाँ पर नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक इमेज करेक्शन neet UG 2022 का ऑप्शन आ रहा है। बच्चों जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, एप्लीकेशन फॉर्म तो पहले से पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है। बच्चों ये इस बात को चेक करने का चांस है कि आपकी इमेज जो आपने अपलोड करी है वो करेक्ट अपलोड हुई है कि नहीं अपलोड हुई है। अगर जो आपने इमेज अपलोड करी है उसमें एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब आपको एक बार फिर से इमेज अपलोड करने की ज़रूरत है, और अगर एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सब कुछ सही है। तो बच्चों आपने फॉर्म तो फिलअप ही कर दिया है, जरूर 2 मिनट समय निकालकर नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इमेज करेक्शन देख लें, क्योंकि कई बार बच्चों इमेज करेक्शन में बच्चों से गड़बड़ी हो जाती है, कई बार रेशियो सही नहीं रहता, कई बार बैकग्राउंड ब्लर रहता है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर आपकी इमेज करेक्ट होगी तो प्रॉपर वही इमेज एडमिट कार्ड में रिलीज होगी, और यहाँ पर अगर एडिट का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आपको इमेज दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत है, और जो इमेज अब आप रेक्टिफाई करके अपलोड करेंगे वो इमेज आपके एडमिट कार्ड में अपियर होगी। तो ये एक बार लास्ट चांस है आपके पास अपनी इमेज चेकअप करने का, तो जरूर कर लें बच्चों। दिस इज ऑल, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन।